सब्सक्राइब कीजिए पेट्स प्लाजा चैनल को, उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज मैं वेलकम करता हूं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको ऐसा एक डॉग ब्रीड दिखाने वाला हूं जो कि सेल के लिए है, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में आता है और काफ़ी एथलीट डॉग ब्रीड में आता है। हर एक श्रेणी में ये डॉग ब्रीड काफ़ी कमाल का, काफ़ी रैंकिंग में आता है। मतलब यदि कोई भी डॉग ब्रीड की किसी की बात की जाए तो हर एक श्रेणी में आता है, टॉप 5 के रैंक में आता है। इंटेलिजेंट डॉग की बात की जाए या फैमिली डॉग की बात की जाए या कोई भी श्रेणी की बात की जाए, तो जर्मन शेफर्ड का नाम आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्पज़ में या किसी ना किसी रैंकिंग में आपको एटलीस्ट समझ में मतलब सुना ही पड़ेगा। तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी फेमस होता है। तो आज आपको पता ही चल गया है कि आज मैं आपको कुछ पपीज़ दिखाऊंगा जो कि काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लीटर के साथ अवेलेबल है। बहुत सारे पपीज़ अवेलेबल है, एटलीस्ट 30 पपीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो जर्मन शेफर्ड आपको अलग अलग डिफरेंट लीटर के साथ है, अलग अलग कोट क्वालिटी के साथ है। कुछ पपीज़ बड़े हैं, कुछ पपीज़ छोटे हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आपको यदि जर्मन शेफर्ड लेना है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंपल से काम करना पड़ेगा, मेरा वीडियो पूरा देखिए, आप देख ले कौन सा डॉग आपको पसंद है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। अब बात करते हैं पपीज़ के बारे में, पपीज़ की क्वालिटी के बारे में। तो पपी जितने क्वालिटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी अच्छे क्वालिटी में, काफ़ी शानदार क्वालिटी में है, और जितने पपीज़ मैं दिखाऊँगा वो सारे के सारे पेट क्वालिटी में। पेट क्वालिटी का मतलब हुआ जैसे आपको घर पे रखने के लिए, आप अपने घर पे एक फैमिली मेंबर की तरह रखोगे, एक मतलब अपने फ्रेंड हिसाब रखोगे, कंपेनियन हिसाब से रखोगे। जैसा बहुत सारे फैमिली मेंबर में पर्सन कम होता है, उनके साथ डॉग रहता है खेलने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए, ऐसे टाइप के डॉग रखते हैं बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरे। तो इस टाइप के लिए आप अपने पेट क्वालिटी के हिसाब से डॉग रख सकते हो। और एक आता है सो क्वालिटी के हिसाब से। सो क्वालिटी मतलब आप अपने डॉग को सो पर्पज़ के लिए जाओगे तो उसका जो प्राइस होता है वो काफ़ी हाई होता है पेट क्वालिटी के हिसाब से। तो ये जो पपीज़ मैं दिखा रहा हूँ एक रीज़नेबल प्राइस में, जैसा कि अभी मार्केटिंग अभी मार्केट डॉग का बहुत हाई हो चुका है, तो अभी जो पपीज़ का प्राइस है मार्केट के हिसाब से रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम में भी नहीं है। तो पपीज़ आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में हैं। जितने पपीज़ आप देखोगे वो सिंगल कोट या मीडियम कोट के आसपास है, कोई भी लॉन्ग कोट या डबल कोट में नहीं है। जो मैं बोलूँगा इस वीडियो में आपको मैसेज दूँगा वो एकदम ऑनेस्ट मैसेज दूँगा, ऑनेस्ट रिप्लाई दूँगा कि ये पेट क्वालिटी है। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में क्या होता है, पपीज़ उतने अच्छे नहीं होते बट पपीज़ को अब अच्छा बताया जाता है, सो क्वालिटी का बताया जाता है। जैसे ये पपीज़ आप देखो फ्रेंड, बहुत क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ये मीडियम कोट का है। अभी अभी का कोट इसका जो है काफ़ी बड़ा लग रहा है बट ये नेचुरली बोला जाए तो मीडियम कोट में ही आएगा, मीडियम कोट की श्रेणी में ही आएगा। क्योंकि कुछ कुछ पपीज़ क्या होता है थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मदर फादर क्या होता है थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। मदर यदि मीडियम कोट का है, फादर लॉन्ग कोट में, क्योंकि कभी भी आप देखोगे आपके पास यदि फीमेल जितनी भी ख़राब क्यों ना हो, मतलब जितनी भी ख़राब मतलब क्या क्वालिटी उतना अच्छा ना हो, बट आप अपने डॉग को अच्छे से अच्छे डॉग से मीटिंग करवाओगे तो उसमें क्या होता है, ये पपीज़ क्या होता है अच्छे निकल जाते हैं, बट इन फ्यूचर क्या होता है उसके बाद कोट का उसका साइज़ होता है वो छोटा होता है, मीडियम साइज़ का हो जाता है। तो ऐसे मैं स्टार्टिंग में मीडियम साइज़ भी आपको बोलूँगा। और अब बात करते हैं इनके डाइट के बारे में। यदि सबसे पहले आपका माइंड में यही आता है, यदि कोई भी डॉग ओनर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है या उनके पास एक दो भी डॉग है तो उसके माइंड में ज़रूर आता है कि डाइट क्या दे, आप अपने डॉग को डाइट क्या दें। तो इनका डॉग डाइट बहुत सिंपल है, आप नॉर्मल डाइट भी दे सकते हो। उसके साथ आपको यदि आप होम मेड डाइट दे रहे हो, होम मेड स्पेशली हो जाए चिकन एग या किसी भी प्रकार का डाइट दे रहे हो, तो आपको कंपलसरी हो जाता है यदि कैल्शियम और मल्टीविटामिन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने के लिए, ठीक है। और आप यदि ड्राई फ्रूट दे रहे हो, बाहर का किना हुआ खाना दे रहे हो, तो उसके साथ आप कर्ड दे सकते हो नॉर्मल, उसके साथ एक सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का सप्लीमेंट। उससे क्या होगा, इनका जो बालों का कोट होता है बड़ा साइज़ का होता है, बड़े साइज कोट इनका बहुत ज़्यादा होता है लैब्राडोर से या रॉटवाइलर या डॉबरमैन से ज़्यादा होता है,
तो उनको कोर्ट में बहुत मदद होता है, बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद करता है। तो आप अपने डॉग को एक अच्छा डाइट मेंटेन दे सकते हो तो उसके बोन के लिए, बट इन डॉगों को कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होता है देना, क्योंकि इनका जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, इनके पीछे पैर में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। यदि सब स्लिपरी फ्लोर में रख रहे हो तो इनको प्रॉब्लम आता है, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देना है, वॉकिंग करवाना ज़रूरी है, और इन्हें रनिंग वॉकिंग करवाना बहुत से बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनको नॉन वेज फूड भी प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि मेन टॉपिक के ऊपर वीडियो है, वो है प्राइस के ऊपर। जो इनका प्राइस है वो काफ़ी रीज़नेबल है और पेट क्वालिटी के हिसाब से अच्छा प्राइस है। तो जो प्राइस स्टार्ट होगा वो है 16,000 से पप्पीज़ का प्राइस स्टार्ट होगा और 24,000 तक जाएगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग वीडियो देखा, कुछ पप्पीज़ बड़े थे तो उनका जो प्राइस होगा एक अलग होगा, और लास्ट के स्टेज में जो पप्पीज़ मैं दिखा रहा हूँ, पप्पीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, तो उस माध्यम के से पप्पीज़ का प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ होगा। क्वालिटी के हिसाब से पप्पीज़ का प्राइस अप एंड डाउन होगा। अब बात करते हैं आपको बाई कैसे करना है। आपको वीडियो पूरा देखना है, कौन सा पप्पीज़ आपको पसंद आ रहा है उस पप्पीज़ का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो के इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मैसेज ड्रॉप करें आपको ये पप्पीज़ पसंद है, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, डिटेल्स बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, वहाँ से आप पप्पीज़ बाय कर सकते हो। जितने पप्पीज़ मैंने दिखाए वो सब सारे के सारे कोलकाता में अवेलेबल है।